अल्लाह अकबर अनपढ़ और गरीब माँ की याद में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी कहा आली नसब होटलों में खाना खाने में वो सरूर कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियाँ खाने में मिलता है आली जनाब हज़रत साहब किबला आलम क्या क्या लफ्ज़ बोले जाते हैं स्टेजों के ऊपर लेकिन इन लफ्ज़ों का वो नशा नहीं मिलता जो माँ की ज़ुबान से ओए बबलू और ओए मिठ्ठू में रखा हुआ है मां जब ये कह के पुकारती है तो लगता है कि सारा प्यार सिमट के मां के लहजे में आ गया है लफ्ज नहीं है मां के मुंह से शहर टपक रहा है मां जब बोलती है तो उसके लहजे में बोलता है मां जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं मां जब प्यार से देख रही होती है तो लगता है अरश से रहमतें उतर रही अल्लाह ने मां के सीने के अंदर वो मोहब्बत वो तड़प रखी है वो एक कायनात रख दी है उल्फतों की कि जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है वो प्यार रख दिया वो दर्द रख दिया वो दरक रख दिया वो उल्फत रख दी माँ के सीने के अंदर एक शायर हुआ ताबश उसने माँ के प्यार को कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबश मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है का एक दिन बचपन में, में मेरे मुंह से निकला था अम्मी मुझे रात को सोते हुए डर लगता है मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूके मार दी कि मेरे बेटे को रात को डर ना लगे ये माँ के सीने का प्यार है माँ की उल्फत है ये माँ की तड़पती हुई ममता है औलाद के लिए वो दुख भी झीलती है तकलीफें भी सहती है गरीब माएँ लोगों के घरों के बर्तन भी मांझने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है इसलिए माँ की कमी इंसान बुढ़ापे में भी महसूस करता है कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कहे कि कोई बात नहीं अब मैं बड़ा हो गया अब मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती बूढ़ा भी हो जाए इंसान जो है वो सबसे ऊंचे मनसब पर भी बैठ जाए मैं और आप क्या मेरी और आपकी हैसियत और औकात ही क्या इमामबिया हुजूर ख़तमीमरतबत सल्हल हुजर नवर से निकले और जूही हुजूर नबी रहमत सल्हल मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा हुए तो हजूर को देख करके तमाम से अबादब से खड़े हो गए जो ही ये उमटता हुआ प्यार देखा तो हुजूर की नज़र पलट के कई साल पीछे चली गई और अब वा की वादी में अपनी माँ की कब्र पे खड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं और फिर एक जुमला कहा अलहवील अलफ़ा के अंदर इमाम सयूती ने उसको बड़ी तफसील लिखा है कि चश्मान रहामत से आंसू टपकने लगे और हजूर मसल्हे पे खड़े हो गए और फरमाया लोअ रक्त तो वाले दैया ओ आहाद हुमा काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज़ कम मेरी माँ ही ज़िंदा होती और मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता वह अक्र फीहा बेफाते तिल किताब और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत चल रही होती फिर मेरी माँ को मेरे साथ अचानक कोई काम याद आ जाता वो दरवाज़े पर आती और चिलमन सरकाती और मुझे बेटा कह के आवाज़ देती फिर मैं लोगों नमाज़ छोड़ के पहले माँ की बात सुन लेता तो माँ की कमी तो इंसान ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में भी महसूस करता है फिर इससे बड़ा मनसब किसका हो सकता है जो इमामबिया का मनसब है इतना बड़ा एजाज किसका हो सकता है जो खातमुलमुसलिन का एजाज है जो महबूब खुदा है कौनैन के मालिक हैं लेकिन माँ की कमी को वो भी महसूस करते हैं माओ शुमा कि शुमार में है तो माँ बाप का वजूद अल्लाह की रहमत है जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कि बंदा खड़ा कहाँ है जब घने दरख्त के साय में बैठा हो और वो दरख्त सारी धूप अपने पत्तों में जजब कर रहा होता है और नीचे बैठने वाले को छाँव फराहम कर रहा होता है और उससे नहीं पता होता कि जो मुझे छाँव दे रहा है वो खुद कितना जुलस रहा है लेकिन अचानक जब साया हट जाए और बंदा कड़ी धूप में आ जाए फिर उसे एहसास होता है कि वह साया कितना गनीमत था जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो उनकी खिदमत करके दुनिया और आखत की सरखरुयाँ हासिल करें अल्लाह की रजा भी इसमें है रसूलुल्लाह की रजा भी इसमें है और दुनिया और आखत की बेहतरियाँ इसी के अंदर पन्हा हैं कि माँ बाप की तकरीम बजा लाई जाए